बताओ जी, आप क्या बोलना चाहोगे? सारे एक बार मिल जाए, नहीं हंसी खुशी सब कार्यक्रम सफल हो जाए। पापा जी आप बोलो, आप बोलो, आप क्या बोलो? बस मैं तो खुशी है कि सब राजी खुशी पहुंच चुके हैं और आज हमारे यहाँ दाल भिगोने का जो पहाड़ी रिवाज है, आज से हमारा जो ये राशन का काम है ताऊ जी संभालेंगे। दोस्तों हम पर भी सबका टीका लग चुका है। हमारे बड़े भैया चाय पीते हुए ऐसे पी रहे जैसे कभी पाई नहीं चाय। ये हमारे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी। अंधविश्वास छोड़ दो, मिथ्या बात जान दो, सेवा करते रहो, बाकी फल अपने आप मिलता है। तो दोस्तों हमारे रात के खाने की तैयारी हो चुकी है और तो दोस्तों अभी हम ठीक टाइम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन अभी हम तो दोस्तों आज फाइनली खुशी का मौका आया है और काफी टाइम बाद हमारे पूरे परिवार वाले साथ में हैं। और ये हमारे बड़े भैया जी, दादी जी और चाचा जी, ये हमारे पापा जी हैं और ये हमारे सबसे बड़े ताऊ जी और ये भी हमारे ताऊ जी। तो दादी आज आप लोग बहुत ही खुश नसीब हो दादी जी कि आपके सारे बेटे आपके सामने हैं और अभी एक दौर आने वाले हैं और खुशी का माहौल। तो ताऊ जी आप क्या बोलना चाहोगे खुशी के माहौल में? खुशी के माहौल में हम बोलना चाहते हैं कि सारे एक बार मिल जाएं, नहीं हंसी खुशी सब कार्यक्रम सफल हो जाए। हाँ जी, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। और ताऊ जी आप क्या बोलना चाहोगे? बुनके जी बेटा सब बड़े अच्छे, हम सब भाई बहन कट्ठे में था, परिवार वाला जो हमारे घर में शादी ब्याह होने ना, तो हम सब लोग घरों ना प्रदेश में नौकरी करना ना अलग अलग जगह जाए, तो सब एक टाइम पर घर पर आन और सब तो मिलता जुलता, दीदी होने भोली होने फूफ होने सब होने ना, तो विवाह में हम सब कट्ठे होना, एक दूसरे मदद कर दें, एक दूसरे सहयोग कर दें और हमारे कार्य सामूहिक रूप से हम सब काम करना तो सही ढंग से सफल होना और अच्छे ढंग से हम चलते जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पापा जी आप बोलो, आप बोलो, आप क्या बोलो? बस मैं तो खुशी है कि सब राजी खुशी पहुँच चुके हैं और इस कार्य को राजी खुशी से करें। आजकल सब पापा के फैन हो गए भाई परसों से। ये हमारे चाचा जी, चाचा जी आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ हम ऐसे मिले हैं और लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्या सोचे कहाँ जा रहा है, बस नहीं जाता। दादी जी अब आपकी बारी, आप बोलो दादी जी कैसा लग रहा है आज? आज तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और हमारे बड़े भैया भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दादी कल लगुणो? बहुत अच्छा लगुणो ना। अच्छा भैया जी आप बोलो। सब बढ़िया है, सब ठीक है, क्या बोलना? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारे बड़े भैया आप इनको तो जानते होंगे, ठीक है, दिव्यांग है, हाँ पर दिल के बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफी अच्छी तरह से बात भी कर लेते हैं, बचपन के दोस्त हैं चाचा जी के। ठीक है भाई, खुशी का माहौल है। ये हमारे क्यूट क्यूट भतीजे साहिल और ये हमारी क्यूटी सी भतीजी साक्षी। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया है और जो कल के लिए हमें पकवान बनाने हैं पकौड़ियाँ, तो आज हमारे यहाँ दाल भिगोने का जो पहाड़ी रिवाज है हर किसी के यहाँ होता है, तो आज से हमारे जो शादी की तैयारियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। तो हमने जो गेड़ो रखा है यहाँ पर रखा है और गेड़ो में अब हम लोग दाल भिगोएंगे। सबसे पहले सभी पे शगुन का टीका लगेगा और शुभ कार्य की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आपको भी आगे आगे दिखाते हैं अपने प्यारे प्यारे पहाड़ी रीति रिवाज। अभी हमारे मेहमान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो दोस्तों आपको बताते हैं अपने पहाड़ी रीति रिवाज। तो दोस्तों ये हमारा राशन का कमरा है जहाँ पर हमने शादी की राशन रखी हुई है और आज से हमारा जो ये राशन का काम है ताऊ जी संभालेंगे। ताऊ जी हेलो बोल दो। हेलो। तो ये हमारे प्यारे प्यारे ताऊ जी हैं और पापा जी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जी वगैरह रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों हम पर भी शगुन का टीका लग चुका है और सबसे शुभ माना जाता है शगुन का टीका। ताऊ जी बोलो कुछ। ताऊ जी शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे ताऊ जी।
सबसे पहला और सबसे शुभ टीका। तो अभी सारे लोग वहाँ पे शगुन का टीका लगा रहे हैं और मम्मी आप जाओ, भेजी पहुँचे ना। हाँ धन्यवाद। हमारे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी, ये हमारे गांव समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और साथ ही साथ देवी देवताओं को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। बड्डा जी अपर बारे में बताओ कुछ। अपर बारे में के बताऊं, मैं अंधविश्वास छनी छो, मिदिया बा जान दो, सेवा करते रहो, बाकी फल अपने आप मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे ताऊ जी, हमारे साथ लगभग बचपन से ही है, जब से हम हुए हैं हमारे साथ ही हैं, परिवार से जुड़े हैं और सगाई में भी ताऊ जी थे हमारे साथ। तो आज शुभ कार्य की शुरुआत हो गई ताऊ जी के हाथों से हुई है, तो ताऊ जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज हमारे घर पे मेहमान आ गए हैं और ये सारे हमारे लड़की बजे ने हमारे परिवार। तो दोस्तों मैं भी ढोल की शुरुआत करती हूँ भाई आज। थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, स्कूल में बजाते थे अच्छे ड्रम राष्ट्र गान के लिए, और यहाँ पे देखिए इनका एक बार हो जाए भाई। गांव का क्या है राहुल, तो ब्लॉग अर्जुन है, कभी हमारे क्लास जागनी और देवी माँ की दोस्त हमारे दोस्तों हमारे रात के खाने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे भाई लोग शरमाते शरमाते खा रहे हैं और यहाँ पर हमारे बड़े भाई लोग और यहाँ पर हमारे पापा जी बैठ गए हैं और बांटने वाले हैं बड़े भैया जी और दूल्हे राजा। आज दूल्हे राजा जी इनका स्वागत कर रहे हैं, कल हम करेंगे और कल ही करेंगे दूल्हे राजा का स्वागत।
इस साइड हमारे भाई लोग रोटी वगैरह खा रहे हैं और इस साइड बन रही है रोटियां। ये हमारी छोटी सी भतीजी, ये भाभी जी और मम्मी जी और दादी जी यहाँ रोटियां बना रहे हैं। ये रही वह हमारी पहाड़ी टोकरी, नई टोकरी आज ही निकाली पहली बार। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, होगी हमारे रात के खाने की तैयारी। भाभी जी, ये रितु, साक्षी, भेजी, ये लोग आज ही पहुंचे मंसूरी से घर और आज हमारे साथ रात के डिनर में खाना खा रहे। और दोस्तों ऐसे आए जो घर हो तो दोस्तों आज पहुंचे, मतलब कल तो नानी के आ रहे ना। तो दोस्तों ऐसे शादी के माहौल में पूरे परिवार के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है और आज बहुत ही मस्त लग रहा है, क्यों भाभी? तो दोस्तों अभी हम ठीक टाइम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन अभी हम रोटी खा रहे हैं और आज हम भाभी भैया और अपनी प्यारी प्यारी भतीजी के साथ खाना खा रहे हैं रात में। तो दोस्तों हमारे खाने में बने हैं बीन्स, गोभी, आलू और साथ ही साथ राजमा दाल और साथ ही साथ रोटी। तो यहाँ पर मम्मी हम सबको रोटी दे रही है। तो दोस्तों ऐसे शादी के माहौल में पूरे परिवार के साथ खाने खाने का मजा ही कुछ अलग है और कल हमारे साथ हमारे पूरे परिवार वाले और लोग भी जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली रोटी खा लेते हैं और मिलते हैं आपको ठीक थोड़ी देर बाद।